हेलो एवरीवन भाई, फाइनली आईपीएल हो गया खत्म भाई, इतना लंबा चला। और केकेआर को कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, बहुत सही गेम खेला, मजा आ गया यार। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन जो एसआरएच के फैंस के मन में है, भाई हारे कैसे? भाई मैं भी एसआरएच का फैन था जब डेकन चार्जर्स हुआ करती थी भाई। उस समय कौन कौन से प्लेयर थे? साइमंड्स, गिब्स, गिलक्रिस्ट, रोहित शर्मा, भाई टॉप क्लास टीम थी। मैं खैर बहुत फेवर करता था डेकन चार्जर्स का स्टार्टिंग में, अब तो खैर सब कुछ चेंज हो गया। मगर कमिंग बैक टू द पॉइंट कि भाई हारे क्यों? देखो भाई, आपने कई सारे एनालिस्ट कमेंटेटर सबसे सुना होगा कि एसआरएच के पास प्लान भी नहीं है। भाई ऐसा ही लगा, क्योंकि एसआरएच ने जो अपना गेम प्लान बनाया, हमेशा अटैकिंग खेलो। अब भाई अटैकिंग खेलने के ड्रॉबैक भी होते हैं। जब तक सब सही है भाई, पिच में कोई ऐसी स्विंग नहीं है या बॉलिंग बड़ी अच्छी ना हो रही हो, तब तक उन्होंने खूब मारा भाई छक्के चौके। जो ओपनिंग पेयर है यानी कि अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड, दोनों ने धुआं उड़ा दिया भाई। देखे होंगे कितने मैचेस जो टीम 167 बना सकती है 10वें ओवर में, मतलब 9.4 ओवर में बल्कि, तो भाई वो टीम 113 रन पे ऑल आउट हो गई। ये थोड़ा हजम नहीं हो रहा यार, एसआरएच ऐसे कैसे परफॉर्म कर सकता है? अब भाई देखो हुआ क्या, ट्रेविस हेड को आउट किया और बॉल देखो कैसी थी। अभिषेक शर्मा को जो स्टार्क ने आउट किया, वो बॉल तो मुझे लगता है कि इस आईपीएल की सबसे बेस्ट बॉल थी भाई। सबने देखा कैसे ये आउट हुए। उसके बाद भाई मेन मूल मंत्र जो था एसआरएच के खिलाफ वो ये था, ओपनिंग पेयर को आउट करो, उसके बाद पूरी टीम आउट कर सकते हो। भाई पूरे आईपीएल में यही हुआ, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने जो स्टार्ट दिया उसके बाद इजी हो गया था। फिर क्लासन, मार्करम जितने भी प्लेयर्स हैं वो अच्छा खेलते थे, कमिंस भी आके मार देता था, मगर जैसे ही वो दोनों आउट हो जाए उसके बाद तो भाई टीम खत्म। देखा होगा आपने कोई डिफेंस करने वाला नहीं, तो भाई कम से कम एक ऐसा प्लेयर तो हो कि भाई पिच के हिसाब से भी खेल ले, थोड़ा देखे कि यार मुझे विकेट थ्रो नहीं करना है, लास्ट तक टिकना है, कुछ तो रन बनाए, बस छक्का मारने के चक्कर में आउट। भाई सारे प्लेयर ऐसे ही आउट हुए, मजा नहीं आया। केकेआर नो डाउट भाई, ऑल द क्रेडिट गोज टू केकेआर यार, बहुत अच्छा खेला। मैं ये बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करूंगा कि केकेआर ने खराब बॉलिंग की, नहीं, केकेआर ने बहुत अच्छा खेला। अब देखो भाई, जब तक सब जीत रहे होते हैं तब तक तो सब कहते हैं, और जब खराब खेलते हैं हार जाते हैं तभी सब एनालाइज करते हैं कि नहीं ऐसा हुआ, नहीं वैसा हुआ। तो भाई मैं बिल्कुल भी ये नहीं करना चाहता, मैं तो सिर्फ एक पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ कि हारे किस वजह से। मैं ये देखो बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि खराब अप्रोच थी, बहुत अच्छी अप्रोच है, अटैक करके खेलना, फियरलेस क्रिकेट खेलना बहुत सही है। मगर वही है, जब तक आप फियरलेस क्रिकेट खेल रहे हो और सब कुछ सही चल रहा है तब तक तो सही होता है, और फाइनल जो इतना बड़ा स्टेज था जहां जीतना ही जीतना था, वहां पे यार थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। बस वही एक मेन पॉइंट है कि भाई आदमी डिस्कस करता है कि यार थोड़ा सा ऐसे प्लेयर्स भी हो जो थोड़ा सा रोक के खेलें, थोड़ा सा स्कोर बनाए यार सिचुएशन के हिसाब से, मगर खैर वो नहीं हुआ। भाई अगले सीजन के लिए बेस्ट ऑफ लक। मैं तो ये चाहता हूँ अटैकिंग फियरलेस क्रिकेट एसआरएच खेलता ही रहे, लेकिन बीच में थोड़ा सा ऐसा भी हो कि सिचुएशन के हिसाब से खेलने वाले बंदे भी हों, ताकि जब खराब टाइम आए तो वो थोड़ा सा रुकें और रन बनाए यार। तो भाई केकेआर को वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, वेल प्लेड, वेल डन, और एसआरएच को बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट सीजन, बहुत सही खेलेंगे, अभी खेलते भी अच्छा ही आ रहे थे, बस फाइनल हार गए यार। और अब मिलेंगे भाई T20 वर्ल्ड कप में, इंडिया को सपोर्ट करने के लिए तैयार रहना। जय हिंद।